डेटा को इस समराइजेशन में करना है सम इफ और सम इफ्स की मदद से। तो मेरे पास डेटा आपके सामने डेटा है जिसमें नेम, सिटी, क्वांटिटी, एमआरपी एंड डेट्स है, और मुझे अलग अलग कंडीशन पे समरी चाहिए। जैसे मुझे यहां मंथ वाइज समरी चाहिए इस कंडीशन पे, राइट, किसकी अमाउंट की, इसकी। बट प्रॉब्लम दैट कि मेरे डेटा में डेट डेटा डेट वाइज है, मंथ वाइज नहीं। तो हम सम इफ्स लगा सकते हैं इन सारे कंडीशंस में, बट प्रॉब्लम क्या है कि यहां पे जो डेटा है हमारा, वो डेटा हमारा ठीक है। तो चलिए हम डेटा के अंदर मंथ तो नहीं डाल सकते, लेकिन फॉर्मूले के जरिए हम कुछ ऐसा करें जिससे मंथ। तो इस महीने की स्टार्टिंग और एंडिंग डेट क्रिएट करेंगे किस तरह से, कॉन्कैटेनेट के माध्यम से, कि मैंने यहां पे लिखा वन डैश और मैंने इसको जैन को सिलेक्ट कर लिया, और जब जो कि ईयर भी है हमारा, तो ईयर के साथ भी हम कॉन्कैटेनेट कर रहे हैं और 2017 ले रहे हैं, राइट। तो हर महीने का स्टार्टिंग डेट हमें आ गया। नीचे फ्रीज करने से पहले हम इसको फ्रीज कर देते हैं, समझ में आया आप लोगों को। फिर एंड डेट लेने के लिए हमने दिया ईओ मंथ। ईओ मंथ किसी भी स्टार्ट डेट डालोगे उस डेट के आखिरी मंथ का ये आ जाएगा, डेट आ जाएगा। तो जनवरी का हमें टोटल लेना है सुनील और पटना का, इस डेट से बड़ा और इस डेट से छोटा। तो हमारे पास कितने कंडीशंस है, दो और दो चार कंडीशंस है। तो मतलब कि एक से ज्यादा कंडीशंस होने पे हम सम इफ लेते हैं। अगर एक कंडीशंस है आपके पास तो आप सम इफ ले सकते हैं, बट अगर आपके पास एक से ज्यादा कंडीशन है तो यू कैन चूज सम इफ्स। तो यहां पे हमने इक्वल किया और बोला सम इफ्स, और सबसे पहला बता रहा है सम रेंज, सम रेंज। तो डेटा में हमें यहां पे सम रेंज किसका, क्वांटिटी का चाहिए, इसको सिलेक्ट करना। दूसरा आता है क्राइटेरिया रेंज, वन रेंज, कि पहली क्राइटेरिया जो मैच करनी है किससे करनी है। तो पहली क्राइटेरिया हमारा जो है वो नेम है, तो नेम का कॉलम लिया और वापस समरी पे आते हैं और हमने नेम ही ले लिया कि भाई नेम में सुनील को मैच करना है, राइट। फिर कॉमा, फिर आता है क्राइटेरिया, सेकेंड क्राइटेरिया सिटी का है, तो वापस हम डेटा में जाते हैं, सिटी के कॉलम को सिलेक्ट करते हैं, और दूसरी क्राइटेरिया कौन सा है, सिटी का क्राइटेरिया। तीसरी क्राइटेरिया है डेट का, कि इस डेट में आएंगे हम। अब यहां पे क्या है कि हमें जो डेट लेना है, ध्यान रखिएगा, डेट जो हमें लेना है 1 जनवरी से बड़ा लेना, जो कि सम इफ और सम इफ्स की क्लासेस में महेश जी और कृष्णा गोयल जी हमने आपको बताया था कि हम ग्रेटर देन लेस देन ऐसे सिंबल को यूज कर सकते हैं। तो हमने किया ग्रेटर देन इक्वल टू और इसके साथ कॉन्कैटेनेट करके हमने ले लिया इसकी स्टार्टिंग डेट, और सेम वापस हम डेटा में जाते हैं, वापस इस डेट को सिलेक्ट करते हैं, कॉमा समरी में आते, और हमने बोला कि 1 जनवरी से बड़ा हो, और हमने बोला लेस देन इक्वल टू, इसको इन्वर्टर को हम देना पड़ेगा कि लेस देन इक्वल टू और एन परसेंट हमने कर दिया एंड डेट। तो ये आ गया टोटल, समझ में आ गया। सर एंड का क्या, सर वो एंड क्यों दिया है, हमने आपको सम इफ की क्लास पे बताया था, एक उसको दोबारा समझाना पड़ेगा, रुक जाइएगा। हम डायरेक्ट डेट हमारा बता रहे हैं आपको कि एक मिनट में इस चीज को समझाने के लिए हमें वापस, जैसे कि हमने आपको बोला कि हमें इसमें से ग्रेटर देन 50 का सम करना है, राइट, क्या सम करना है, ग्रेटर देन 50 का। तो हम लोग क्या किया था, हमने सम इफ लिया था कि सम इफ इसमें गए और बोला ग्रेटर देन 50। अगर ऐसे लिखा हुआ है तो ठीक है,
लेकिन अगर मैंने सिर्फ यहां पे 50 लिखा और बोला ग्रेटर देन 50 लेना है, तो उस केस में हमें H3 तो सिर्फ 50 को सम करेगा, ग्रेटर देन 50 को नहीं करेगा। तो वहां पे हम लोग ग्रेटर देन इक्वल टू इन्वर्टेड कॉमा में लगाते हैं, ग्रेटर लगा के और फिर एंड पैरेंथेसिस को ज्वाइन कर देते हैं। ओके जब फॉर्मूला एवेलेट करोगे पता चलेगा कि H3 जैसे 50 है और दोनों मिलके इस तरह से बन जाता है ग्रेटर देन इक्वल टू 50 जो कि यहां पे है। ओके यस तो हमारे पास भी डेट जो था नॉर्मल लिखा हुआ था नॉर्मल, तो हमने अपने कर दिया। तो एक बार फॉर्मूला का पढ़िए, हमने यहां पे दिया सी मतलब कि जिसमें हमें सम करना है, फिर हमने ए दिया जिसमें हमें नाम को मैच करना है, कौन सा D3 जैसे नाम को, फिर हमने बी दिया जिसमें हमें सिटी को मैच करना है पटना क्योंकि B4 किया। उसके बाद डेट में हमें चेक करना है ग्रेटर देन 1 जनवरी, तो हमने यहाँ पे इसको कंबाइन कर लिया, और फिर लेस देन 31 जनवरी, तो यहाँ पे रिजल्ट आया। बट यहां पे मुझे इसको रखना पड़ रहा है, देख रहे ना 1 जनवरी 2017 और 31 जनवरी 2017 जो दिख रहा है ना, इनको रखना पड़ रहा है। तो हम बात करते हैं मर्जिंग का, फॉर्मूला मर्जिंग का, कि इन दोनों फॉर्मूले को जो हमने अलग रेफरेंस ले रखा है उसको इसी में मर्ज करना है। तो इसका फॉर्मूला हम इसको कॉपी करते हैं। कॉपी करने के बाद यहां एक इसका एड्रेस है D8। अब इस फॉर्मूले में जाते हैं जहां पे हमारा D8 है, इस D8 को हम डिलीट करेंगे और D8 के जगह पे ब्रैकेट में D8 का फॉर्मूला हम पेश कर रहे हैं। अब D8 इसका लिंक कट गया, अब यहां भी D8 है तो यहां भी इसको ब्रैकेट में देना पड़ेगा EO मंथ में। तो अब मैं D8 को डिलीट कर सकता हूं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, समझ गए। अब बात करते हैं D8 के बाद आता है E8, तो E8 का फॉर्मूला भी यहां से हम कॉपी करते हैं और इसके अंदर जाते हैं और E8 का फॉर्मूला लगाते हैं। हम अलग अलग लगाए कि एक साथ में इतना लंबा फॉर्मूला लगा था तो खा तो मैं गलती कर देता, अगर मैं सही से लगा भी देता फिर भी आप लोगों को समझ में जल्दी नहीं आता, इसलिए मैंने उसको अलग अलग लगाया फिर उसको आपस में मर्ज कर। अब नीचे ड्रैग करने से पहले जो हमारा लेवल है B3 है इसको फ्रीज करके ना पड़ेगा, F4 से इसको भी फ्रीज करना पड़ेगा ताकि फिक्स रहे। अब इसको नीचे की तरफ हम ड्रैग कर सकते हैं, राइट। अब 2016 रखूंगा तो 2016 का डेटा आएगा, 2017 पे 2017 का आएगा, पटना की जगह पे मैं पुणे करूंगा मैं पुणे का डेटा, सुनील के जगह पे मैं पूजा करूंगा तो पूजा का डेटा आएगा, पूजा का सिर्फ जनवरी का ही डेटा है इसलिए जनवरी का आया, मैं पुनीत तो पुनीत का डेटा आएगा, ठीक है। इसमें हम डेटा वैलिडेशन आगे लगा लेंगे। अब बात करते हैं कि इससे मुझे MRP का चाहिए, MRP हमारा एवरेज है तो सम इफ और एवरेज इफ एक ही जैसा होता है, बस यहां पे सम इफ के जगह पे एवरेज इफ दे दीजिए। महेश जी, कृष्णा गोयल जी, समझ में आया? यस सर, आ रहा है समझ। तो इस तरह से हम ऑटोमेशन करते हैं। अब जैसे कि यहां पे देखिए कि अब मुझे यहां पे भी सेम ऐसा करना है कि मार्च और अप्रैल, मैं कर चाहता हूं कि मुझे सिटी वाइज रिपोर्ट चाहिए, यहां पे समरी चाहिए और मैं चाहता हूं कि मैं यहां पे लिखूं कि मार्च से लेकर अप्रैल, तो मार्च से अप्रैल तक का डेट बना है। तो सिंपल है, सिंपल क्या है कि मुझे यहां पे इक्वल करना है, ठीक है, इक्वल, और इसमें मैंने हमने 1 डैश और इसके साथ हमने इस मंथ को लिया कॉमा, कॉमा नहीं एंड परसेंट होगा, हाँ डैश, और ईयर जो है हमारा ऊपर है 2016, तो इसको हम सिलेक्ट कर लेते हैं, आ गया 1 मार्च 2016। अब 2 मंथ में अप्रैल, तो अप्रैल में 1 मार्च नहीं आना चाहिए, अप्रैल का आना चाहिए। अगर मैं इसको एक मिनट, जो हमारा G3 इसको फ्रीज कर देता हूँ, F4 से इसको भी फ्रीज कर देता हूँ। अगर मैं बोलूंगा कि उसका सेम मेन फॉर्मूला मैं यहां भी लगा दूं तो यहां पे प्रॉब्लम क्या होगा, प्रॉब्लम ये होगा, अप्रैल में यहां रख लेता हूं तो
कि अप्रैल आ गया, जबकि अप्रैल तक का चाहिए, इसका मतलब है कि था इसकी अप्रैल के पूरे महीने का। तो सेम हम ईओ मंथ फॉर्मूला अप्लाई करेंगे और ईओ मंथ फॉर्मूला में जीरो देंगे तो इस महीने का आखिरी हमें आ जाएगा। ठीक है, आ गया आखिरी। और वापस इसमें हम ट्राइंगल फॉर्मूला सम इफ्स का, क्योंकि मल्टीपल कंडीशंस है, सम इफ्स, और डेटा में जाएंगे, सम रेंज हमारी क्वांटिटी है और क्राइटेरिया रेंज हमारा क्या सिटी है, इसमें नेम नहीं है, सिर्फ सिटी है, सिटी में आते हैं और समरी में हम यहाँ सिटी पुणे सेलेक्ट कर लेते हैं। फिर हमें डेट को मैच करना है तो वापस सेम डेट पे जाएंगे और मुझे ग्रेटर देन यहाँ पे करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा, मैं थोड़ी देर पहले समझाया इसको, क्या महेश जी समझ में आ रहा है ना आपको सर? समझ गया। हाँ, और सेम यहाँ पे गए, इसको लिया कॉमा इज इधर लेस देन करना चाहिए था ना, ग्रेटर देन हो गया, ग्रेटर देन इक्वल टू, और इसके साथ हम इसका लास्ट डेट ले लेते हैं। 16 का डेटा नहीं, इसलिए 2017 डालता हूँ, 2017 का डेटा पुणे में नहीं है। है तो डेटा यहाँ पे कुछ गड़बड़ हुआ है, नहीं, हाँ ये यहाँ गड़बड़ हुआ, हम उल्टा कंडीशन लगा दिया, ग्रेटर देन 1 जनवरी और लेस देन होगा 30 जनवरी, इसलिए दिक्कत हो रहा था। हाँ अब आया रिजल्ट, ठीक है। और सेम मुझे नीचे ड्रैग करने से पहले हम एक बार इसको फ्रीज कर देते हैं यहाँ F4 लगा के, F4, और हाँ इसको भी फ्रीज कर देते हैं। इसको फ्रीज करने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये तो हमें फिक्स करना है, तो इसको तो हमें फिक्स करना है, इसको हम कॉपी कर लेते हैं यहाँ से, क्योंकि ये तो लगा हुआ है, हमें इसको हटाना है ना, इन द फॉर्मूला होना चाहिए, तो G6 की जगह पे हम G6 का फॉर्मूला पेस्ट कर देते हैं। और फिर यहाँ क्या है आपका, ये आपका I6 है, तो यहाँ पे हम I6 का फॉर्मूला I6 के जगह पे पेस्ट कर देते हैं ब्रैकेट। समझ गए महेश जी? हाँ सर। अब इसको नीचे की तरफ ड्रैग कर दीजिए, सॉरी यहाँ पे F8 को फ्रीज नहीं करना चाहिए, ऐसे को फ्रीज नहीं करना चाहिए, इंक्रीज होना चाहिए, रिजल्ट आ गया। अब यहाँ पे मैं जैन टू अप्रैल करूंगा तो जैन से अप्रैल तक का समरी आएगा, और आगे चल के हम इसका जो है वो वैलिडेशन और बहुत सारी चीज पे अप्लाई कर सकते हैं। तो बाकी चीज तो आप बना लेंगे ना सर, दो एग्जांपल दे दिया, क्योंकि एक चीज तो आपको करनी थी ना। सर एमआरपी का थोड़ा बोलिए ना, एमआरपी का नहीं समझे थोड़ा। कौन सा एमआरपी? हेलो एमआरपी का एवरेज एमआरपी का निकालना है बस, जैसे यहाँ पे एवरेज ही हमने देखिए थोड़ा एवरेज ही लगाया हमने, हाँ एवरेज और फार्मूला सेम ही है ना। एवरेज ही और सम इफ एक ही जैसा होता है, कंडीशन सारे एक ही होते हैं, बस फॉर्मूला नेम चेंज हो जाता एमआरपी का एवरेज मतलब क्या निकल रहा है डेटा में, वो देखना है। पड़ेगा। बेसिकली ठीक है ये मैं है देख ना लेता कि हूँ। डेटा में एमआरपी का टोटल नहीं निकल सकता, क्योंकि ये इसने पूजा ने पुणे में 74 आइटम बेचा है 68 रुपीज पर पीस से, हाँ तो यहाँ पे अगर ओके एमआरपी का टोटल आप निकाल लेंगे तो दिक्कत हो जाएगी ना, क्योंकि एक पीस का 68 है ना, 78 पीस का नहीं है, 74 पीस का नहीं है, तो यहाँ करेक्ट पे एवरेज करेक्ट ऑफ एमआरपी सही रहेगा कि हाँ हमने 120 क्वांटिटी को 40, 121 क्वांटिटी को 40 रुपये ऑन एवरेज बेचा है, समझ या समझ गया समझ। गए? तो इसके बाकी बाकियों को आप लोग करिए एक बार, बाकी क्वेश्चन जो फाइल मैंने भेज रखी है आप लोगों को, बाकी हम ट्राई करते हैं, अभी अभी हो जाएगा बाकी शायद। ट्राई कीजिए।